वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। एज यू नो कि हम पिछले कुछ दिनों से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कौन कौन से एरियाज़ में हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए हेल्पफुल है, और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स तैयार करने के लिए वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आज इसी से रिलेटेड जो है हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म एज बायोकंट्रोल एजेंट, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। इसी का पार्ट है ये, ठीक है, जो थोड़ा सा रिमेनिंग पार्ट बच गया था उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स एंड देयर होस्ट। नाउ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो बायोकंट्रोल एजेंट के फॉर्म में कैसे यूज़ किए जाते हैं या क्यों यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो भी एग्रीकल्चर करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, फार्मिंग करते हैं, उन्हें जो है वो कई सारे ऐसे इंसेक्ट्स और पेस्ट से जूझना पड़ता है जो उनकी फसलों को ख़राब करते हैं। ठीक है, तो उनको, उनकी फसलों को ख़राब करने वाले जो इंसेक्ट और पेस्ट हैं उनसे बचने के लिए वो कई सारे केमिकल इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो भी केमिकल्स हैं ये ना सिर्फ जो हैं वो हार्मफुल इंसेक्ट्स और पेस्ट को मारते हैं, बल्कि यूज़फुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उन्हें भी मार देते हैं, और उसकी वजह से जो है वो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो अफेक्ट होती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है उसका एक ऑप्शन हमने जो है वो ढूंढ के निकाला है, जिसे हम बायोकंट्रोल एजेंट कहते हैं, कि बायोलॉजिकली कुछ ऐसे एजेंट हैं जो इस तरह के इंसेक्ट और पेस्ट से हमें छुटकारा दिलवा सकते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हमको विथ एग्जांपल पढ़ना है। तो कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो पेस्टिसाइड्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, और वो किन्हें मारते हैं, उनके होस्ट कौन है। तो यहाँ पे जो है वो हमने जैसे देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो इसमें यूज़ होते हैं वो चार कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोअन एंड वायरसेस। तो सबसे पहले जो है वो बैक्टीरिया, बैसिलस थ्रुनजेनेसिस, जिसे हम बीटी क्रॉप्स कहते हैं, जो क्राय प्रोटीन तैयार करता है। इसके अलावा बैसिलस पेपिली एंड बैसिलस टेंटीमॉर्बस, ये जो है ये ऐसे स्पीशीज़ हैं बैक्टीरिया के जो अलग अलग होस्ट, जैसे कि कैटरपिलर, किसी भी इंसेक्ट का जो लार्वल स्टेज होता है वो कैटरपिलर अड़ी मतलब इल्ली होती है उसे मारने के लिए ये यूज़ होता है। कैबेज वर्म, कैबेज जो है वो पत्ता गोभी, उसमें जो वर्म तैयार होता है उसको मारने के लिए भी ये यूज़ होता है। एंड एडल्ट बीटल, बीटल मतलब जो है वो आपने देखा होगा कि जो ऐसे कीड़े होते हैं जिसके ऊपर जो है वो धब्बे होते हैं, कलरफुल या फिर ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज बीटल, या फिर बग्स भी कहते हैं इन्हें। तो बग्स और बीटल में सिर्फ फ़र्क ये है कि जो भी बीटल है वो थोड़ा सा लंबा होता है, उड़ने वाला होता है। ठीक है, देन इसके बाद में नेक्स्ट इज़ फंजाई, जिसमें बोवेरिया बेसियाना, ठीक है, देन एंटोमॉर्फ थोरा, पेली डारोसम, ये इस फंगस का नाम है, एंड जूप थोरा रेडिकेंस, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ फंजाई विच आर यूज टू किल एफिड्स क्रोकाई। एफिड्स भी कीड़े होते हैं, ठीक है, जो पेड़ों को खाते हैं या पेड़ों के ऊपर जो भी अनाज लगता है, जो भी ग्रेन्स लगते हैं उन्हें जो है वो अंदर से खोखला कर देते हैं। देन इसका जो है वो नेक्स्ट जिन्हें ये मारते हैं ये है कॉकी, देन इसके बाद में है एफिड अनग्लुकुलेटा, ठीक है। सो ये जो है अगेन एफिड का ही जो है वो स्पीशीज़ है। मीली बग्स जो अभी बताया मैंने आपको, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और थोड़े से फ्लैशी होते हैं, इसीलिए उसे मीली बग्स कहा जाता है। ठीक है, माइट्स मतलब छोटी छोटी जो कीड़े होते हैं उड़ने वाले वो, एंड वाइट फ्लाइज मक्खियाँ होती है, लेकिन ये वाइट कलर की होती है, थोड़ी साइज़ में बड़ी होती हैं। तो ये सब ऐसे होस्ट हैं जिन्हें मारने के लिए इन फंगसेस का इस्तेमाल किया जाता है, इन वैरायटी ऑफ फंगस का इस्तेमाल किया जाता है। देन इसके बाद में नेक्स्ट इज़ प्रोटोजोअन्स, जिसमें है नोसीमा लॉस्टी, ये एक
प्रोटोजोअन है जो ग्रास होपर, आप लोगों को पता है ग्रास होपर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, बड़ा सा कीड़ा होता है। देन कैटरपिलर और क्रिकेट, क्रिकेट मतलब झिंगूर जिसे जो आवाज़ करता है रात में उसे क्रिकेट कहते हैं। तो ये ऐसे कुछ इंसेक्ट्स हैं जिन्हें मारने के लिए प्रोटोजोअन का इस्तेमाल किया जाता है। देन इसके बाद में लास्ट कैटेगरी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो है वायरसेस, जिसमें न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रो वायरस जिसे NPV कहा गया है एंड ग्रैन्यूलो वायरस जिसे GV कहा गया है। ये ऐसे वायरसेस हैं जो कैटरपिलर्स को मारने के लिए, देन गायस्पी मॉथ, मॉथ मतलब वो उड़ने वाले जो तितली की तरह दिखते हैं लेकिन तितली की तरह कलरफुल नहीं होते, मॉथ्स बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, अगर जंगल एरिया में देखें, वेटलैंड एरिया में, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मॉथ होते हैं, तो ये मॉथ्स को मारने के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है। एंट्स, चींटियाँ, जैसे आपको पता है कि चींटी भले ही साइज़ में छोटी होती है लेकिन ये कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म है, इंसेक्ट है, और एक साथ जो है वो अगर किसी के ऊपर, बड़े से बड़े जानवर के ऊपर अगर एक साथ मिलकर अटैक कर दे तो उसे मार भी सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार की एंट्स होती हैं, ठीक है। तो एंट्स को मारने के लिए वास्प्स जो हैं वो बड़े कीड़े होते हैं, या जिसे आप लोग जो है वो भौरा भी कहते हैं, तो ये जो है ये इसके लिए इस यूज़ होता है। एंड बिटल, अगेन बिटल जो है वो एक्चुअली थोड़ा सा ऐसा होता है कि जो कीड़ा है जो अपने आप को कैमोफ्लाज, मतलब अपने आप को जो है वो अपने सराउंडिंग प्लांट से जो है वो मैच कर लेता है, जिसकी जो बनावट है वो पत्तियों की तरह या फूलों की तरह इस तरह की होती है, तो वो बिटल्स कहलाते हैं। तो ये कुछ ऐसे होस्ट हैं जिन्हें मारने के लिए इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। देन इसके बाद में नेक्स्ट इज बायो हर्बिसाइड्स। बायो हर्बिसाइड्स मतलब क्या, सबसे पहले बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर्बिसाइड का मतलब क्या होता है, हर्बिसाइड का मतलब होता है जो वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट, वीड का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ कि अगर आप गेहूं की खेती कर रहे हो और गेहूं की खेती करते वक्त जो है वो आप देखते होंगे कि बीच बीच में जो है वो बहुत सारे जो है वो वर्कर लगाए जाते हैं ताकि वो अनवांटेड प्लांट, सिर्फ वीड के प्लांट को ही वहाँ पे रखें, और जो दूसरे प्लांट्स हैं जैसे अगर गेहूं की खेती करते वक्त अगर उसमें सरसों के मतलब मस्टर के जो प्लांट्स हैं वो भी अगर ग्रो हो रहे हैं, राई मोहरी जिसे हम कहते हैं, उसके प्लांट्स भी अगर ग्रो हो रहे हैं लेकिन आपका मेन कॉन्सेंट्रेशन किस फसल के ऊपर है, गेहूं की फसल के ऊपर, तो आपके लिए वो जो भी राई का प्लांट है वो आपके लिए जो है वो एक अनवांटेड प्लांट हो जाएगा। इस तरह से और भी कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अनवांटेडली, आपने उसको नहीं बोया है, आप उसको नहीं उगा रहे हो, आप उसकी देखभाल नहीं कर रहे हो, बट स्टिल वो वहाँ पे ग्रो हो जाते हैं, तो उन्हें वीड्स कहते हैं। और उन्हें हटाने के लिए जो भी हम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे उसे हर्बिसाइड कहा जाता है। अब यहाँ पे केमिकल हर्बिसाइड्स भी आते हैं लेकिन हम इस टॉपिक में केमिकल हर्बिसाइड या केमिकल्स के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम बायोलॉजिकल मेथड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसमें बायो हर्बिसाइड्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से हर्बिसाइड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, उसे वीडिसाइड भी कहा जाता है। हर्बिसाइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज वीडिसाइड, वीडिसाइड मतलब जो अनवांटेड प्लांट हैं उन्हें पूरी तरह से जो है वो ख़त्म कर देना, ठीक है। देन इसके बाद में वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट, जो मैंने आपको बताया कि वीड्स जो हैं जो अनवांटेड प्लांट होते हैं दैट ग्रो इन एग्रीकल्चरल फील्ड, जो आपके खेत में जो है वो ग्रो होते हैं या फिर पॉन्ड्स में ग्रो होते हैं, लेक्स में ग्रो होते हैं, बहुत सारे खेत होते हैं जिनके आसपास जो है वो छोटे मोटे पॉन्ड लेक इस तरह से होते हैं, तो वहाँ पर जो ग्रो होते हैं जो अनवांटेड हैं उसे वीड्स कहा जाता है। इन ये वीड्स जो हैं इनसे क्या नुकसान है, क्यों इनको उखाड़ के फेंकना है, अगर राई का प्लांट जो है वो गेहूं के प्लांट के बीच में ग्रो हो रहा है तो वो भी तो आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट दे रहा है, बट स्टिल आप उसे नहीं चाहते, वो आपके लिए एक अनवांटेड प्लांट है। इसका कारण ये है, वो अनवांटेड इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप उसे वहीं पर रहने देंगे तो वो जो भी आपका मेन प्लांट है, मेन क्रॉप है, उसके साथ में वो कंपीट करेगा। कंपीट मतलब जो भी अनाज पानी, मतलब जो भी आप खाद पानी उस प्लांट के लिए दे रहे हो वो बांटा जाएगा बिटवीन योर क्रॉप प्लांट एंड द अनवांटेड प्लांट, दोनों के बीच में वो बंटवारा हो जाएगा जिसकी वजह से आपकी फसल के ऊपर असर हो सकता है। इस कारण की वजह से जो है वो इस तरह के प्लांट्स जो हैं उन्हें वीड या फिर अनवांटेड प्लांट कहा जाता है, और वो अगर वहाँ पर रहेंगे तो आपकी फसल को नुकसान हो सकता है, या फिर हो सकता है कि उसके ऊपर जो भी
इंसेक्ट पेस्ट अटैक करते हैं, वो अटैक करेंगे और उसका असर जो है, मतलब उसके साथ में जो है वो वीट पे भी अटैक कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ कुछ ऐसे इंसेक्ट पेस्ट होते हैं जिनका जो है वो जो होस्ट होते हैं जिनके ऊपर वो अटैक करते हैं, वो वेराइटी मिलते जुलते प्लांट से। तो अगर वो जो है वो सरसों के प्लांट के ऊपर अटैक कर रहे हैं तो वो गेहूँ के प्लांट के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। मतलब उसकी वजह से जो है वो, क्योंकि उनका पहला होस्ट जो है वो सरसों का प्लांट है और बाद में फिर उनको एज अ सेकेंडरी वो वीट को चुन सकते हैं, तो इस तरह से नुकसान हो सकता है। तो वो कंपीट करते हैं, कंपटीशन करते हैं बिटवीन द मेन क्रॉप प्लांट एंड द वीट, और उसके बाद में वो फार्मलैंड में किस चीज़ों के लिए कंपीट करते हैं, पानी के लिए, स्पेस, जगह के लिए, मिनरल्स जो सॉइल में अवेलेबल हैं या आप फर्टिलाइज़र के तौर पे उन्हें दे रहे हो उसके लिए, लाइट, एयर एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे मेन फैक्टर्स हैं जो प्लांट को ग्रो होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इनमें अगर बंटवारा होगा तो जो आपका मेन प्लांट है हो सकता है कि उसकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपरली ना हो और आपके प्रोडक्टिविटी रेट पे असर पड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए वीड्स वहाँ पे नहीं चाहिए। अब बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हर्बिसाइड्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। बहुत सारे ऐसे डाइकॉट हर्ब्स हैं दैट ग्रो इन द फील्ड ऑफ सीरियल्स एज वीड, कैन बी किल्ड बाय सर्टन माइक्रोब्स। बहुत सारे ऐसे डाइकोटिलेडनस प्लांट हैं जो आपके फील्ड में ग्रो होते हैं मेन क्रॉप के साथ में, और फिर वो उसके साथ में कॉम्पिटिशन करके जो है वो क्या कर सकते हैं, उस प्लांट को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन्हें मार सकते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर पैथोजेनिक फंजाई एज माइक्रो हर्बिसाइड्स, मतलब फंगस जो हैं वो जो हर्बिसाइड के तौर पे यूज़ किए जाते हैं उनके एग्जांपल्स हैं फाइटोप्थोरा पाल्मीवोरा। ये एक ऐसा फंगस है जो मिल्कवीड को कंट्रोल करता है इन ऑर्कियाड्स। ऑर्कियाड का मतलब होता है जो बगीचा कहते हैं, फलों का बगीचा, वहाँ पर जो है वो इस तरह के कुछ वीड्स होते हैं जो ग्रो होते हैं, तो उनसे जो है वो फंगस छुटकारा दिला सकता है। अल्टरनेरिया क्रैसा, ये जो है ये कंट्रोल करता है वाटर हाइकेंस को, मतलब जो भी ऐसे पानी में ग्रो होने वाले जो प्लांट्स हैं और वो वीड के तौर पे वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं या ग्रो हो जाते हैं, जहाँ पे पानी ज़्यादा मिला वहाँ पे वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए अल्टरनेरिया क्रैसा है। इसके अलावा फ्यूजेरियम स्पीशीज है विच कंट्रोल मोस्ट ऑफ द वीड, ज़्यादातर वीड्स जो हैं उन्हें फ्यूजेरियम की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है, विच इज़ अ टाइप ऑफ फंगस, ठीक है। देन बैक्टीरियल पैथोजन एज हर्बिसाइड, बैक्टीरिया भी जो है वो हर्बिसाइड की तरह काम कर सकता है। कौन कौन से बैक्टीरियाज हैं, जैसे कि सुडोमोना स्पीशीज़ हैं जो बहुत सारे वीड्स पे अटैक करते हैं। देन जैंथोमोनास अगेन कैन अटैक सेवरल वेराइटी ऑफ वीड्स। एग्रोबैक्टेरियम स्पीशीज कैन ऑल्सो अटैक ऑन वेराइटी ऑफ स्पीशीज, ठीक है, ऑफ वीड्स जो हैं अलग अलग प्रकार के, उन्हें वो अटैक करते हैं। देन इंसेक्ट एज हर्बिसाइड्स, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स जो हैं उन्हें भी जो है वो वीड्स को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि टायरा मॉथ, ये एक ऐसा इंसेक्ट है जो कौन से वीड को कंट्रोल करता है, सेनिको जेकोबिक, ये जो है ये एक ऐसा वीड है जो जिन्हें हटाने के लिए जो है वो टायरा मॉथ जो है वो यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो है कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम, कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ इंसेक्ट विच इज़ यूज्ड फॉर द वीड ऑफ कैक्टस। मतलब अगर प्लांट के बीच में कैक्टस ग्रो हो रहा है, कैक्टाई वीड कहते हैं उसे, तो कांटेदार या फिर कैक्टस का प्लांट है या कांटेरी प्लांट है, इनको जो है वो हटाने के लिए इस इंसेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, कैक्टोब्लास्टस कैक्टोरम, ठीक है। तो इन दिस वे वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो यूज्ड एज अ हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड मतलब अनवांटेड प्लांट्स जो हैं उन्हें हटाने के लिए बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से आपने जो आपके फार्मलैंड पे जो भी क्रॉप लगाया है उसी फसल के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट कर सको और उसको जो है वो नुकसान ना पहुँचे। तो इस तरह से आज इस वीडियो में हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एज अ
हर्बिसाइड्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे प्लांट, कौन कौन से ऐसे वेराइटीज़ हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो अलग अलग वीड्स को जो है वो कंट्रोल करते हैं। प्लस ऑल्सो वी हैव सीन कि कौन कौन से पेस्टिसाइड्स हैं जिन्हें मारने के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें हम बायो फर्टिलाइज़र्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम बायो फर्टिलाइज़र्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।